सलाम आदाब। शांतिपूर्ण होली पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक, चौक चौराहे पर रहेगी पुलिस बल की तैनाती। नगर थाना परिसर में होली पर्व में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर जिले के SDM अनिकेत कुमार, ASP राम पुकार सिंह, DCLR निधिराज, BDO धीरज कुमार, CEO ममता कुमारी, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना परिसर में होली पर्व को लेकर ASP राम पुकार सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि होली एक ऐसा पर्व है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। उन्होंने कहा होली पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए। वहीं SDM अनिकेत कुमार ने कहा कि होली का पर्व खुशियां मनाने की है। सभी लोग भाईचारगी कायम रखते हुए एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर आपस में गले मिलकर खुशियां बांटे। उन्होंने कहा कि पर्व मनाने के दौरान किसी भी तरह का अश्लील गाना या DJ बजाना सख्त प्रतिबंध है। शांति समिति के बैठक में नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद गौतम शाह, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि धीरज मिश्रा, भाजपा नेत्री सुष्मिता ठाकुर, राजद नेत्री लवली नवाब, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अकेला, विजय जैन, रेशम लाल पासवान, राकेश वर्मा उर्फ मिट्टू, भरत घोष, आबिद अंसारी, टीपू साहेब रेजा, संजीव पासवान, मंसूर आलम, मोहम्मद कलम व अन्य लोग शामिल हुए। आज नगर थाना के परिषद में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में शहर से सद्भावना मंच के सभी सम्मानित सदस्य, नागरिक जन एवं प्रशासन की ओर से SDPO, DCLR मैडम, BDO, CEO, थाना प्रभारी सभी उपस्थित थे। क्योंकि इस वर्ष होली पर्व आदर्श आचार संहिता के बीच मनाया जाना है, सभी नागरिकों को अनुरोध किया गया है कि प्रशासन के द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन जारी किया गया जा रहा है उसका अनुपालन करें, हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाएं। विधि व्यवस्था की पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। किसी भी परिस्थिति में कोई सूचना अगर उनके पास आता है तो कृपया ससमय हमें उपस्थित करें। प्रशासन पूरी तरह से सोशल मीडिया पर नज़र रखी गई है। किसी भी होली के मंच के माध्यम से पॉलिटिकल स्लोगन या प्रचार ना किया जाए, ये MCC का वायलेशन होगा और प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी। कृपया सभी से पुनः अनुरोध है कि शांतिपूर्ण माहौल में होली का आयोजन करें। धन्यवाद।